हर साल की तरह इस वर्ष भी फिरोजाबाद में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा श्री हंस सत्संग मंदिर के निकट दबरई मुख्यालय पर आश्रम प्रभारी सुधाबाई जी के नेतृत्व में दीपावली पर्व पर एक भव्य रंगोली के साथ भव्य दीपमाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई दीपकों से दीपमालिका सजाई गई। इस दीपमालिका को सजाने में मुख्य रूप से मदालसा बाई जी, अंकिता बाई जी, रेनू साक्ष, मोना, पूनम, निधि और मनोज कुमार, उमेश राठौर उपस्थित रहे। मेरा नाम महात्मा सुधाबाई जी है और हमारी संस्था का नाम मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वधान से हमारी संस्था के जो संस्थापक है सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं और हमारा ये जो आश्रम है दबरे स्थित है, जहाँ पर श्री हंस सत्संग मंदिर के नाम से जो आश्रम है वहाँ पर दीपावली का ये पर्व जो है हम मना रहे हैं। और दीपावली के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने सुंदर रंगोली निकाली है और दीपोत्सव मनाया है, दीपमाला जलाई है। और ये जो दीपावली का पर्व है, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो प्रकाश होता है, उजाला होता है, तो ऐसे मैं परम प्रभु परमात्मा से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना जैसा रोग जो है वो मिट जाए और सबके जीवन में जो है स्वास्थ्य का प्रकाश हो, शांति आए और सभी देशवासियों को यही मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। हैप्पी दिवाली। दिलीप यादव, MLC, आगरा फिरोजाबाद क्षेत्र। अपने जनपदवासी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दौज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, पटाखे इस त्यौहार पर बहुत चलते हैं, हम लोग अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, पटाखे चला के कहीं कोई हमारे बच्चों के साथ घटना न हो जाए। इस पर्व को, इस त्यौहार को बहुत खुशी के साथ मनाएं। इस त्यौहार पर लक्ष्मी का आगमन भी होता है, घर में साफ सफाई भी होती है, पूरे मनयोग से इस त्यौहार को मनाएं और घर के बीच ही रहें और पटाखों का विशेष ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी परिवार और अपनी तरफ से सभी देशवासियों को, जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्रवासियों को, विशेषकर टूल्ला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।